देवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर कामदेव जी झा, हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर सोमेश्वर दत्त जी, जैन सभा के सभी प्रबंधक कार्यकर्ता एवं संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर अनुभा जैन जी, हमारे मित्र श्री रमेश सुखीजा जी तथा अन्य प्राध्यापक अध्यापक एवं छात्र, यह साधु समाज यहाँ पर एक पूज्य स्वाक्षर महावीर उनके पवित्र जयंती के पावन अवसर पर, जयंती का समय भी जा चुका है, उसके बाद में एक मंथन के लिए इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया कि 21वीं सदी में आधुनिकतम आज 21वीं सदी की समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं को आप देखें बहुत जैसे सूरज सांखों की तरह समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, व्यक्ति में हो जिनको हम इंट्रापर्सनल कहते हैं, परिवार में हो इंटरपर्सनल कहते हैं, समाज में भी वही है, राष्ट्र में, फिर विश्व में जो जो समस्याएं हैं, कुछ भौतिक समस्याएं हैं, कुछ पर्यावरणगत हैं, कुछ मानसिक हैं, कुछ आध्यात्मिक हैं, तरह तरह से समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, इस सुदीर्घ जो मुनि परंपरा है, आचार्य परंपरा है, अब पंचनमोकार जो है पाठ किया जा रहा था, पंचनमोकार के जो पूज्य हैं अरिहंत से लेकर के और साधु पर्यंत, उन सबके माध्यम से जिस धर्म दर्शन को आगे किया गया है, उस सबका जो लेखा जोखा है हमारे वैदिक ग्रंथों से लेकर के सौरसेनी प्राकृताजी में लिखित जो आगम ग्रंथ हैं उनसे लेकर के बाद में संस्कृत में और संस्कृतेतर भाषाओं में लिखित जो जो ग्रंथ हैं, बहुत विपुल साहित्य है, बहुत बड़ी विरासत है, उसके अंदर भेदोपभेद भी हैं, पर जो मुख्य सिद्धांत हैं वो यथावत परिपालित हैं। तो यह जो महावीर जैन सभा ने यह सार्थक प्रयास किया है, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। और यहाँ पर जो है कुछ बातें एक दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते मैं प्रस्तावित करूँगा। एक जहाँ वैचारिक असहिष्णुता पैदा होती है, वहाँ हर तरह की असहिष्णुता जन्म लेती है। उस असहिष्णुता के निवारण के लिए यहाँ पर अनेकांत दर्शन जो सभी जैन विचारकों को मान्य है, सब परंपराओं को मान्य है, और उसका वेद आदि से विरोध भी नहीं है, संसार के किसी भी धर्म के अंदर आप जाएंगे वहाँ भी विरोध नहीं है, वो अनेकांत है। और उस अनेकांत को हम देखेंगे कि मूलतः वो जो अनेकांत दृष्टि है, अगर वह चरितार्थ होती है, उसी के माध्यम से जो हिंसा आदि जो जो बातें हमारे ध्येय आज दिखाई पड़ते हैं, वो भी चरितार्थ होता हुआ नजर आता है।